के नियर अबाउट जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें ये है कि देश सेवा के लिए अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो मैं आई रेडी। ये बलिदान, ये जज्बा वही कर दे सकते हैं जिनके अंदर देश के प्रति कुछ कर दिखाने का असीम इच्छा होगी। मैं सल्यूट करता हूं उन सभी माता और पिता को जिन्होंने अपने लाल को देश की सेवा में लगा रखा है। आज मैं हदिया की धरती पर खड़ा हूं। ये वो मकान है जिन्होंने दो जाबाजों को देश की सेवा को सौंप दिया। मैं आज शहीद संतोष पांडे के मकान पर खड़ा हूं जो 19 सितंबर 2000 में श्रीनगर में पोस्टिंग के दौरान आतंकी हमले में शहीद हो गए। संतोष पांडे जी तो सेना में थे ही थे, उनके पिताजी भी सेना में उस समय सेवा दे रहे थे और जिस समय उनके ऊपर आतंकी हमला हुआ, उनकी शहादत हुई, उस समय उनके पिताजी की पोस्टिंग तला में थी, अगरतला में थी। आइए सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनको उस बात की जानकारी हुई, उस समय उनका रिएक्शन क्या था, कब वो घर पहुंचे और सरकार के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी गई। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती देने के लिए। मैं आप लोगों को अपने हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और मनन करता हूं। जी, आपने हमारे शहीदों के प्रति इतनी सहानुभूति देते हुए हमारे दरवाजे पर आए हैं, इसलिए मैं धन्य हूँ। आपकी बहुत बड़ी कृपा है। गवर्नमेंट ने शहीदों के प्रति जी जो जो मतलब वादे करती है वो कभी भी पूरा नहीं होता। मेरा ही एक पर्सनल, मैं अपना बात बताता हूँ। ऐसे हमारे शहीद भाई के बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे शहीद हुए हैं और उनके तरफ से भी हमारा निवेदन है कि जो सरकार घोषणा करती है उस पर अमल होना चाहिए। सन 2014 से ये नियम माननीय श्री देवी चतुर्वेदी द्वारा घोषित हुआ था, जबकि मैं उस समय अपनी ड्यूटी पर कार्यरत था, घर नहीं आया था। जब डेड बॉडी आई तो आदरणीय माननीय सम्माननीय डीएम डी देवेश चतुर्वेदी जी हमारे दरवाजे पर आए और असंख्य भीड़ थी हमारे दरवाजे पर। सभी नेता, सभी जनता, हम तो थे नहीं, नहीं जो जनता आई उनके मुखारविंद से हमें मालूम हुआ। आने उस समय मैं ड्यूटी पर कार्यरत था, इवन मैं बच्चे के अंतिम दाह संस्कार तक भी नहीं पहुंचा। हमारे दरवाजे पर हमारे बच्चे की डेड बॉडी वैसे 3 दिन तक रखी हुई थी। मतलब आपके इंतजार में, हमारे इंतजार में। ये बताया गया कि जब तक गार्जियन न जाए, पिताजी न आ जाए, तब तक इनका अंतिम दाह संस्कार न किया जाए। हमारे मित्र मेजर डीएस पांडे जो दोहरी घाट के थे वो सब परिवार अखबार में सुने और देखे तो सब परिवार हमारे घर पधार गए थे। नहीं हो पाए थे, मैं अंतिम दाह संस्कार में नहीं, ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पर थे, मतलब उस समय फ्लड बड़ा तेज आया था। हवाई जहाज का टिकट हमारे लिए हमारी यूनिट ने दो दो बार कराई और कैंसिल हो गया हवाई जहाज फ्लाइट ने की मौसम खराब होने के लिए। और मैं यहाँ से अपने घर से नियर अबाउट 6-7 दिन पहले ही छुट्टी काट के गया था जी। हमको ये आदेश मिला है नर्स से कि आप तैयार हो जाइए, घर जाइए। उस समय मैं बिल्कुल मेरे को भय सा लगा
क्या हो गया, अचानक क्यों घर जाएंगे, क्यों अचानक हमें घर भेजा जा रहा है, मैं सोच नहीं पाया। तो हमको दोबारा बताया गया कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल, मतलब डायरेक्ट आपको वो बातें नहीं बताई, नहीं बताई गई, क्यों, कारण उसमें ये था कि मैं हार्ट का पेशेंट था, इसलिए नहीं बताया गया। और मेरे लिए अपनी वाहन और प्रोटेक्शन वहाँ से तैयार हुई और वाहन गुवाहाटी तक आई मेरे को लेकर के, और वहाँ से दो चार जवान और एक सूबेदार साहब हमारे साथ हमें पहुँचाने आए। जब हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो उस समय ये बंधा टूटने वाला था, गोरखपुर के पास का पेट्रोल पंप वगैरह बह गया था ना, हाँ टूटने वाला था, कोई टैक्सी वाला कोई भी आने को तैयार नहीं, पूरी फोर्स अपना पुलिस यहाँ से वहां तक लगी थी, कोई नहीं आता था न कोई जाता था। बड़ी हमने सिफारिश की ऑटो रक्शे वालों पर, हम कहे भाई हम तुम्हें दो मांगेंगे, और मैं भी फौजी हूँ, उसने बताया कि वहाँ फोर्स लगी है, जाने किसी को नहीं दे रहे हैं साहब, हमने कहा चलो मैं भी फौजी हूँ उनको बताएं और डरो मत, उनको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ये ऑटो रिक्शा चलान नहीं होगा और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, हम चलो। तो बेचारा एक ऑटो रिक्शा वाला ने आया छोड़ा। आप लोग सीआरपीएफ में दोनों लोग थे, आप भी थे और शहीद संतोष पांडे जी, तो कभी एक साथ कहीं पोस्टिंग हुई थी आप लोगों की? नहीं, हम नहीं। हम दोनों एक साथ कभी नहीं हुए जी। तो आप तो पहले से सीआरपीएफ में थे जी, हाँ। तो देश की सेवा का वो जुनून वो जज्बा कहाँ से आया जिससे आपने अपने बेटे को भी सीआरपीएफ ज्वाइन कराया? देखिए हमने बहुत लंबा टाइम फोर्स में काटा जी, और मेरे को पारितोषित पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार, दक्षिणी स्टार, उत्तरी स्टार मेडल भी लगे मिले, हर इलाके में मैंने सर्विस किया, बड़ा संघर्ष किया, लेकिन वो सौभाग्य नहीं था जो हमारे बालक को प्राप्त मिला। दुख तो सभी माँ बाप को होता है, और माँ बाप क्या क्षेत्र के सभी लोग बहुत दुखी थे उस समय, बहुत दुखी थे, लेकिन मेरे अंदर ये है कि अभी हम 80 के नियर अबाउट जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें ये है कि देश सेवा के लिए अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो मैं आई रेडी। ये बलिदान ये जज्बा वही कर दे सकते हैं जिनके अंदर देश के प्रति कुछ कर दिखाने का असीम इच्छा होगी। संतोष जी का बचपना कैसे बीता और बचपन से उनका स्वभाव कैसा था? देखिए वह एक क्षेत्र की जनता ये बता सकती है जी, बाप तो कहेगा ही हमारा बेटा बहुत अच्छा था, अच्छा था जी, बाप कभी भी बाप और माँ बुरा नहीं कह सकते बच्चों, अपने बच्चे को बुरा कह सकते हैं कभी नहीं कह सकते हैं, सभी लोग कहेंगे, लेकिन इस क्षेत्र की जनता बताएगी कि संतोष पांडे कैसा बच्चा था, कैसा लड़का था, ये तो जनता जवाब देगी। उनकी रुचि क्या रही बचपन से, शौक उनके क्या रहे? उनके शौक देखिए पढ़ने में भी ठीक थे और गेम में भी ठीक थे, उनको जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो बेस्ट प्लेयर का खिताब दिल्ली स्टेट लेवल का मिला था, बेस्ट प्लेयर का, मतलब मेधावी थे पढ़ाई से लेकर के खेल तक हर चीजों, यहाँ गवर्नमेंट के तरफ से बहुत कुछ दिया जाता है स्टेट लेवल में जी। सेंट्रल का और इसका छोड़ दीजिए, सेंट्रल को जो मिलना था हमको उनका जो था मिला, लेकिन स्टेट लेवल से हम एक नया पैसा नहीं लिया जी। एक नया पैसा जो कहते हैं हमें नहीं, हमने यही कोई कुछ नहीं स्टेट लेवल स्टेट से
जो हमने यही कहा कि जो आपने मतलब अप्रूवल किया है, घोषणा की है जनता के सामने, वो पत्रिका हमारे पास है। 2014 से हम डीएम को, ये आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी को, खंड शिक्षा अधिकारी के पास, सबके पास पचासों पचासों लेटर भेज चुका। और उसमें बीएससी ने जो किया वो भी फॉर्मेलिटी पूरा करके दे दिया, लेकिन उसका स्कूल का कुछ नहीं। स्कूल बन के तैयार हो गया, उनके जैसे सरकारी पत्र व्यवहार में उनका नाम अंकित नहीं हुआ, खाली दीवार पर लिख दिया गया है। और इसके लिए मैं 2014 से ही दौड़ रहे हैं। तो ये तो उपेक्षा हुई एक तरह से, उपेक्षा हुई है, मतलब एक जवान के बलिदान का ये तोहफा दिया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कब आपको सूचना मिली थी शहादत की? उस समय पोस्टिंग आती थी, उस समय मैंने बताया ना आपको, उस समय मैं अगरतला में था, पूर्वी पाकिस्तान बॉर्डर पर था, अरे पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश कहिए अभी इस टाइम, उस टाइम भी बांग्लादेश पर था। तो वहाँ थे, रात को हमें मालूम हुआ, रात को ही आप घर जाइए, आपका टिकट प्लेन से मिला है और एयर ग्राउंड पर आपको सुबह तैयार होकर के चल देना है। वहाँ से वाहन जाएगी, वहाँ भी प्रोटेक्शन साथ जाती थी, डिस्टर्ब एरिया था, वहाँ भी लोग ले आए। ज्वाइनिंग कब हुई और कितने सारी नौकरी कर पाए? ये अब ज्वाइनिंग का तो उसी में लिखा है, हमको याद नहीं है, अब उतना दिमाग चलता नहीं, 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 कोई बात नहीं। तो कितने साल रहे नौकरी? मात्र 3.5 साल बस यही। और उस समय उम्र क्या रही होगी? उनकी उम्र उस समय 23-24 साल यही, मात्र 23-24 साल। अब देखिए एक बार तो है, आपको मैं बताता हूँ, एक लेटर है आपको दिखाता हूँ और वो पेपर दिखाता हूँ, एक इसी गवर्नमेंट का पारित है कि शहीदों के, हर शहीदों के गांव को शहीद ग्राम घोषित किया जाए। ये किसका काम? डीएम, डीएम को 50 बार हमने दे दिया लेकिन उनकी वो सुनते नहीं। शहीद के नाम से शहीद के गांव की जो मेन रोड है उसको लिंक करती हुई कोई रोड बनी हो तो उसको गौरव पथ, शहीद के नाम से गौरव पथ का नाम दिया जाए, वो भी नहीं, जबकि है लिंक रोड बनी हुई है, वो बनी है, पीछे रोड बनी है, वहां से वही स्कूल तक गई है, वो नहीं। इसका भी डीएम को हमने दे दिया है, डीएम को या सीएम को, सबको, कोई नहीं सुनता जी। हजार ब्लॉक पर वीडियो को, सब लोगों को तोरण द्वार शहीद का बनना चाहिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम नहीं हो पाए। इनको लेकर के सीएम से नहीं मिले, सीएम तो मिले, सीएम पत्रिका हमारा ले लिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये पीड़ा है, अगर इस तरह की चीजें हैं तो बेहद ही निंदनीय है। आप उपेक्षा कर रहे हैं एक जवान को जो देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर सैल्यूट करता हूँ उन सभी माँ और पिता को, उन परिवारों को जिन्होंने अपने आंखों के तारों को देश की सेवा में लगा रखा है। ऐसी और भी रोचक जानकारियां देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन।